नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और स्वागत है आप सभी का इंडियन भजिया पैरी पे। दोस्तों आज है 3 अगस्त और आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी इस बॉक्स की क्वीन चेंज करने के बारे में। देखिए, कल हम लोगों ने इस बॉक्स की जो चेकिंग लगाई थी और इस बॉक्स में हमें कुछ प्रॉब्लम मिली है, तो जब वीडियो बनाएंगे हम लोग आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो हमें इसकी क्वीन बदलनी है और जो क्वीन बदलेंगे हम वो बदलेंगे हमारे छोटे नुक्स बॉक्स के साथ, यानी कि ऐसे बॉक्स जिनमें हम सिर्फ क्वीन मेट कराने का काम लेते हैं या फिर हम क्वीन मेटिंग नुक्स उनको बोल सकते हैं, उनमें हमारी क्वीन ने बनाई हुई ग्राफ्टिंग से। तो उस क्वीन के साथ हम जो है इसकी क्वीन चेंज करेंगे। तो हम जो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला बटन उसको भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई साइंटिफिक बी कीपिंग से रिलेटेड वीडियो डालूं तो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों जो वीडियो शुरू करते हैं इस बॉक्स की जो हम लोग तो चलिए दोस्तों जो है इस बॉक्स की हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम इसको खोलते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हम लोगों ने देखी थी। जो भी प्रॉब्लम हम लोगों ने देखी थी वो आप लोगों के साथ जो है शेयर करेंगे और बताएंगे किस प्रकार हम दूसरे बॉक्स के साथ इसे नीचे रखते हैं। और फिर बाद में हम लोग देख रहे हैं इनर कवर है यहाँ पे ग्रीन वाला, तो मैं इसके नीचे थोड़ा सा धुआं लगा लेता हूँ। जो हम ऊपर वाला बॉक्स जो हमारा, इसमें सिर्फ हमारी खाली फ्रेमें रखी हुई हैं और फ्रेमें बचाने के लिए हमने इसके ऊपर रखी, ताकि जो मोमी कीड़े को ख़राब ना करे। ये बॉक्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ दो जो है बॉक्स में इसमें मक्खियाँ हैं। तो इसको हम उतार के नीचे रख रहे हैं। यहाँ पे दूसरा बॉक्स हमारा रखा हुआ है, उसके ऊपर यहाँ पे हमने रख दिया। और इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हो इसमें क्वीन एक्सक्लूडर नहीं लगा हुआ है, तो मक्खियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है। हमें क्वीन ऊपर भी हो सकती है, तो सबसे पहले हमें क्वीन ढूंढनी है। साइड वाली फ्रेम में निकाल रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो खाली फ्रेम है, बिल्कुल खाली छत्ता, इसमें कुछ खास चीज़ वो नहीं है। इसको मैं साइड में रख रहा हूँ यहाँ पे। तो अगली फ्रेम हम निकालते हैं, वो इस ये ड्रोन वाली फ्रेम है एक्चुअल में, इसमें भी हल्का फुल्का शायद है, कुछ ज़्यादा नहीं। तो हमारा पहला काम रहेगा इसकी क्वीन ढूंढने में। तो इसके बारे में बता दूं, जब हम लोग कल इसका बॉक्स चेंज कर रहे थे तो उस टाइम पे हम लोगों ने देखा, तो बॉक्स को देखने से ये लगता है कि ये बॉक्स जो है क्वीनलेस हो गया, बट मक्खियों को देख के ये नहीं लग रहा बॉक्स क्वीनलेस है, क्योंकि ज़्यादा काट नहीं रही हैं, ज़्यादा शोर नहीं कर रही, बिल्कुल शांत हैं। लेकिन हमें क्या लगा था ना कुछ थोड़ी थोड़ी जगह पर हमें जो था सिर्फ ड्रोन के सेल में ही अंडे मिले थे, बाकी नहीं मिले थे। तो हो सकता है ये बॉक्स ना जो इसमें क्वीन अवेलेबल हो और बॉक्स जो ड्रोन लेयर हो गया, और ड्रोन लेयर वो बॉक्स होता है जिसमें क्वीन का जो स्पर्म ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद फिर वो सिर्फ अनफर्टिलाइज एग ही दे पाती है, यानी कि एग गर्भित अंडे जिनसे सिर्फ ड्रोन ही बनते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं बॉक्स ने जो है छोटे मोटे शेल भी उठाने स्टार्ट कर दी, काफ़ी शेल उठाए हुए हैं, वो भी हम आगे देख पाएंगे। और नेक्टर आप लोग देख पा रहे हो इसके अंदर काफ़ी है, काफ़ी अच्छा काम किया हुआ बॉक्स ने, और मक्खियों की जो शांत लग रही है। और दूसरा, मक्खियों को देख के हमें पता भी चल रहा है, क्योंकि जो क्वीनलेस बीज होती ना वो ज़्यादातर जो है काले कलर की ज़्यादा होती हैं और ओल्ड टाइप की हमें दिखाई देंगी, क्योंकि उनके ऊपर वाला जो छोटे छोटे बाल होते हैं या फिर फर होता है वो उड़ जाता है, और वो ज़्यादा थोड़ी डार्क सी हो जाती हैं, वो बड़ी एज की हो जाती हैं, या फिर बॉक्स है जो वर्कर ले की सिचुएशन में चला जाता है। और वर्कर ले वो होता है जब क्वीन की एबसेंस में या फिर क्वीन मर जाने के बाद, क्वीनलेस होने के बाद बॉक्स है जो फिर उसमें जो वर्कर होता है वो उसकी ओवरी डेवलप कर जाती है और वो अंडे देने स्टार्ट कर देता है, उसे वर्कर ले सिचुएशन कहते हैं। तो फ़र्क ये है वर्कर ले में और जो है ड्रोन लेयर में। वर्कर ले में होता है कि जब वर्कर लेइंग करता तो उसको वर्कर ले बॉक्स बोल देते हैं, उसमें वर्कर ने लेइंग स्टार्ट कर दी क्योंकि क्वीन नहीं थी और ब्रूड भी नहीं था। तो हम लोगों ने देखा इसमें हमें क्वीन नहीं मिली, तो नीचे वाले बॉक्स में हम क्वीन को ढूंढने की कोशिश करेंगे और मैं दिखाऊंगा कि और क्या प्रॉब्लम थी। तो इसको हम थोड़ा सा जो है धुआं लगा के नीचे रख देते हैं और ये हमने उठा लिया। हालांकि इसमें ठीक ठाक वेट है, फीड की कोई कमी नहीं है। तो हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, मुझे लगा था इसके अंदर क्वीन होगी लेकिन हमें कल क्वीन नहीं मिली थी। तो आज फिर हम दोबारा कोशिश करते हैं, अगर क्वीन होगी तो हम क्वीन को किल करेंगे और उसके बाद जो है इसकी क्वीन बदल देंगे। और अगर हमें आज भी क्वीन नहीं मिलती है तो हम वैसे ही इसकी क्वीन बदल देंगे, क्योंकि हमें अच्छे से पता ही नहीं चल पा रहा फिर प्रॉब्लम क्या है। इसको साइड में रख देता हूँ मैं, ये पुराना छत्ता है। दूसरे नंबर पर ये हम निकाल रहे हैं, तो ये इसमें भी हल्का फुल्का पोलन, और मैं आप लोगों को दिखा दूं दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 दिन ड्रोन के शैल है, उसमें अच्छा अंडा दिया हुआ, तो मैं ये गैस कर रहा था क्वीन है लेकिन उसका स्पर्म ख़त्म हो चुका है, वो सिर्फ ड्रोन के अंडे दे सकती है और वो इसलिए सिर्फ ड्रोन वाले शैल में अंडे दे रही है। अगर ये वर्कर लेइंग हो चुका होता, इसमें वर्कर ले कर रहा होता, तो वो जो है वर्कर वाले शैल में ही जो ड्रोन के अंडे दे देता और वो हमें अलग से दिखाई देते। बट ऐसा नहीं हुआ, इसमें जो ड्रोन के अंडे दिए हुए सिर्फ ड्रोन वाले शैल में दिए हुए हैं और ब्रूड का हमें कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा, जो वर्कर का ब्रूड होता है अलग, वर्कर का ब्रूड या फिर अंडा हमें लार्वा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए हम लोग क्वीन को भी ढूंढ रहे हैं साथ में, और अगर हमें क्वीन मिल जाती तो उसको निकाल फेंकेंगे और फिर दूसरी क्वीन दे देंगे, और नहीं मिलती तो फिर हम डायरेक्ट इसमें दूसरी क्वीन दे देंगे, क्योंकि हम लोग कल ट्राई कर चुके हैं इसकी क्वीन ढूंढने के लिए और कल हमें इसकी कोई क्वीन दिखाई नहीं दी थी। ज़्यादा वर्कर नहीं आप लोग देख पा रहे, लेकिन वर्कर ऐसा है जो हेल्दी वर्कर होता है ना, जो स्वस्थ वर्कर होता है, हमें पता चल रहा है ये यंग एज की बीज हैं और काफ़ी अच्छी बीज हैं। तो देखने में ये लग नहीं रहा कि बॉक्स ये क्वीनलेस है।
क्वीनलेस बॉक्स होता तो ज़्यादा शोर करता, ज़्यादा काटने को आता और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता हमारे लिए, लेकिन ये बिल्कुल शांत है। इस प्रकार हम लोग जो है ढूंढ रहे हैं, अगर हमें कहीं पे क्वीन मिल जाती इसकी, जो जिसको ड्रोन लेयर क्वीन बोलते हैं, जो सिर्फ ड्रोन के ही अंडे दे पा रही है। और देखो पोलन भी लेके आया और काफ़ी फ्रेश पोलन है इस छत्ते के अंदर, लेकिन अगर बॉक्स जो है क्वीनलेस हो गया होता तो वो ज़्यादा फ्रेश पोलन भी नहीं लेके आ पाता। लेकिन क्वीन हमें मिली नहीं थी, प्रॉब्लम ये है बस, पता नहीं आज भी मिल पाएगी कि नहीं पाएगी, लेकिन हम लोग ढूंढ रहे हैं उसको। और इस साइड पे भी हमें कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दिया, कोई किसी भी सेल में अंडा नहीं है। और बॉक्स में जो बीज है वो काफ़ी अच्छी हैं, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, मजबूत बॉक्स है, ये नहीं कि वीक बॉक्स है, कुछ और प्रॉब्लम है। लेकिन अभी हमें क्वीन ढूंढ के ही पता चलेगा अगर मिल जाती है तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसने कुछ अपने शेल उठाने की कोशिश की हुई है, ये देखिए। और ये बिल्कुल ख़राब शेल है, या तो ये फिर ड्रोन वाले अंडे पे से उठाए हुए हैं, हाँ ड्रोन वाले अंडे पे से उठाए हुए हैं, या बीच में यहाँ पे जो ड्रोन के शेल हैं सिर्फ इनमें अंडे दिए हुए हैं। तो इस प्रकार मुझे लग रहा है कि बॉक्स ये वर्कर ले तो नहीं हुआ है, ये ड्रोन लेयर है, कहीं ना कहीं हमें क्वीन मिल जानी चाहिए। और क्वीन अगर नहीं भी मिलती है तो फिर क्या करेंगे, हम फिर भी इसकी क्वीन बदल देंगे और देखते हैं, अगर मिल जाती तो फिर उसको निकाल के फिर उसकी क्वीन बदलेंगे। और यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये बीच वाली लाइन है जहाँ से वायर गुजरती है, यहाँ पे सिर्फ ड्रोन के सेल है, तो सिर्फ ड्रोन के सेल में ही अंडे दिए हुए हैं, ये नहीं कि वर्कर वाले सेल में ड्रोन का अंडा दिया हुआ है, जो अक्सर वर्कर ले अगर बॉक्स होता तो कर देता, लेकिन अगर क्वीन ही अंडे देगी तो वो सिर्फ ड्रोन वाले में ही देगी। और उसका हो सकता है स्पर्म ख़त्म हो चुका हो, वो फर्टिलाइज या फिर गर्भित अंडे नहीं दे सकती, फर्टिलाइज एग से ही जो वर्कर बीज या फिर क्वीन भी बन सकती है, और अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं सिर्फ ड्रोन्स। तो इस फ्रेम पे भी हमें नहीं मिली है, अगली फ्रेम पे हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो ये निकाल लिया हमें, आप लोग देख पा रहे होंगे, और सेल भी उठाए हैं देखिए साइड में बॉक्स ने, मुझे नहीं पता ये जो है हो सकता है अनफर्टिलाइज एग से उठाए हों, या फिर ड्रोन वाले एग से उठा लिए हों, या फिर हो सकता है कि कुछ स्पर्म उसका बचा हो जिसने, जो कि वो हो सकता है कुछ अंडे दे वर्कर वाले भी, या फिर फर्टिलाइज जिससे क्वीन बनाई जा सके। तो बॉक्स रिक्वीनिंग के उसमें चला हुआ कि अपने आप ही अपनी क्वीन बदल ले, लेकिन हमें कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, कोई क्वीन दिखाई दे नहीं दे रही है। तो और ये शेल साथ में हमें आपको दिखा चुका हूँ पहले भी, शेल उन्होंने उठाए हुए हैं, तो इस फ्रेम पे भी हमें क्वीन दिखाई नहीं दी। और दोस्तों चाहते तो हम लोग ना इसको किसी दूसरे बॉक्स से एक फ्रेम जो है अंडे या लार्वे की दे के इसे अपनी क्वीन बनाने देते, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता, अभी यहाँ पे ड्रोन की संख्या बहुत कम है, और अगर वो अपने आप इमरजेंसी रिस्पॉन्स से ये बॉक्स अगर क्वीन बनाएगा तो फिर होगा क्या, वो क्वीन जब मेट होने के लिए जाएगी तो उसको काफ़ी ड्रोन नहीं मिलेंगे, वो अच्छे से मेट नहीं होकर आएगी, और फिर अगला जो हमारी क्वीन होगी वो भी इसी प्रकार से होगी, वो अच्छा रिजल्ट नहीं रहेगा, वो अच्छे हमारे लिए काम नहीं करेगी जब तक वो अच्छे काफ़ी ड्रोनों के साथ मेट नहीं होती। तो इसलिए हम जो क्वीन बदल रहे हैं, अदरवाइज़ हम चाहते तो इससे इसकी क्वीन बना लेते, और ऐसे अगर हम इसमें कुछ अंडा या लार्वा देंगे दूसरे बॉक्स से लेके आके और ये अपनी क्वीनें बनाएंगे तो उसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, लगभग एक महीना लग जाएगा जब इसमें क्वीन बनेगी और फिर दोबारा अंडे देने स्टार्ट करेगी। लेकिन हम लोगों के पास है ना इतना टाइम है नहीं, या फिर ये मान सकते हैं एक महीना अगर हम इसको ऐसे ही बनने दें तो हमारा बॉक्स काफ़ी वीक हो जाएगा, इतना वीक हो जाएगा कि ये बॉक्स जो हमें अभी लग रहा है 8-9 फ्रेम पे है या फिर उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो भी जो है आधा से ऊपर बीज का था, तो ये काफ़ी वीक हो जाएंगी और हम लोग जो है पीछे रह जाएंगे। तो हमारी जो अगर छोटे बॉक्स में क्वीन और अभी हम इसकी क्वीन बदल देंगे तो हमारा बॉक्स है जो जल्दी से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें एक बार क्वीन नहीं मिली तो मैं उसके बाद ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर मिलती है तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा दोबारा, चलिए दोबारा आते हैं, जब तक अगर मिलती है तो दिखाता हूँ, नहीं तो मैं एक दो बार और चेक करता हूँ, उसके बाद फिर दिखाएंगे कि दूसरा बॉक्स रख के कैसे इसकी क्वीन बदलेंगे। चला दी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ढूंढ लिया, नीचे वाले बॉक्स में हमें क्वीन मिली नहीं और ऊपर वाले में हम लोग दोबारा चेक करेंगे, तो जो अभी तक मिली नहीं तो करेंगे क्या, हम लोग इस बॉक्स की भी सारी की सारी जो मक्खियाँ नीचे झाड़ देंगे नीचे वाले बॉक्स में, और उसके बाद जो फिर हम यहाँ पे जो ऊपर नया बॉक्स हमारा लेके आएंगे, तो ये हम इसमें झाड़ रहे हैं और हमारी जो ये एक्स्ट्रा फ्रेम है हम इनको बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा और 4-5 फ्रेमें लगानी पड़ेंगी। तो हुआ ये अभी तक हमें क्वीन मिली नहीं, हमने 3 बार चेक कर लिया, एक बार कल और 2 बार आज, तो इसका मतलब ये हो सकता है, मैं आप लोगों को बताऊं कि क्वीन हमारी जो थी वो ड्रोन लेयर हो चुकी थी, यानी कि वो सिर्फ ड्रोन के अंडे दे रही थी, लेकिन हुआ वो सिर्फ ड्रोन के अंडे दे रही थी और हो सकता है वो मर गई हो, तो ये सिचुएशन हो सकती है। अभी तक बॉक्स जो वर्कर ले नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो ड्रोन के हम लोग हैं जो लार्वे देख पा रहे हैं, और अगर हमारी क्वीन अभी तक होती तो ड्रोन वाले शेल में हमें अभी कुछ ना कुछ अंडे ही मिलते, लेकिन कोई अंडा नहीं मिला, कोई एग्स नहीं मिला, तो इसका मतलब हम अभी भी चेक कर रहे हैं, क्वीन हमें मिली नहीं है और ये मक्खियाँ हम नीचे वाले बॉक्स में झाड़ रहे हैं।
तो इसका हम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्वीन हमारी जो ड्रोन लेयर हो चुकी थी और वो मर चुकी है, और इसमें हम दूसरी क्वीन देंगे और वो प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है। तो पहले हम लोग इस बॉक्स को खाली करेंगे, सारे की सारी मक्खियाँ नीचे वाले बॉक्स में झाड़ देंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे जो है अखबार लगाएंगे। तो अखबार टेक्निक से हम लोग इसकी रिक्वीनिंग करने जा रहे हैं या फिर क्वीन बदलने जा रहे हैं नुक बॉक्स के साथ। तो वो देखते रहना आप लोग, और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, उससे थोड़ा सा हमारा जो मोटिवेशन हमें मिलता है और हम लोग थोड़े से और एक्साइटेड होते हैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो हमें जो कोशिश करनी है कि ज़्यादातर मक्खियाँ ये झड़ जाएँ, ना झड़ें तो कुछ रह भी सकती हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बट कोशिश हमने यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मक्खियाँ हमारी जो वो झड़ जाएँ। तो इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं क्वीन हमें कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, और फिर भी मैं अभी तक चेक कर रहा हूँ। तो इन मक्खियों को हम नीचे वाले में झाड़ देंगे, और फिर हमारी जो फ्रेम है हम बाहर लगा रहे हैं किसी दूसरे बॉक्स में। और ये हम लोग देख पा रहे हैं, पहले भी ज़्यादातर चांस होते हैं क्वीन के नीचे वाले बॉक्स में मिलने के, क्योंकि वहाँ पर जो है ड्रोन ब्रूड होता है, वहाँ पर जो है पोलन होता है, पोलन के आसपास ही वो जो है अपने अंडे देना पसंद करती, वहीं पे रहना पसंद करती है। बट ऐसा हुआ नहीं है, अभी हमें मिली नहीं है। तो ज़्यादातर मक्खियाँ हमने जो अपनी झाड़ दी इसमें, और इसमें जो कुछ हमारी एक्स्ट्रा फ्रेमें बच जाएंगी हम वो किसी दूसरे बॉक्स को दे देंगे जिसमें नेक्टर की या शहद की कमी हो। और हमें दिखाई कहीं पर नहीं दे रही है, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो इस प्रकार हम लोग थोड़ा सा इस पर धुआं लगा लेते हैं ताकि जो मक्खियाँ नीचे चली जाएं, जो अखबार के और फ्रेमिंग को बीच में ना आए। और अब अभी हम यहाँ पे ना अखबार लगाएंगे। देखिए वैसे अगर हमें दो बॉक्स को एक करना होता तो ज़्यादातर अखबार लगाने की ज़रूरत नहीं होती, दूसरी फ्रेम में हम लोग एक इस बॉक्स में दे सकते हैं, मक्खियाँ ऐसे नहीं करती। लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि इसके अंदर जो हम क्वीन देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जो हम मिलें, जिससे हमारी क्वीन सेफ़ रहे, और हमारी क्वीन जो धीरे धीरे जो इसके साथ अपनी वो। और इसके बाद हम लोगों ने ये सुपर रख लिया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ज़्यादातर बीज जो हमारे नीचे वाले बॉक्स में चली गई हैं, उसके बाद हम लोगों को अखबार में ऐसे छोटे छोटे होल कर देने हैं ताकि बीज है जो वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो सके। अखबार को जो च्यू करके इसको चबा के इसको काट के ऊपर आएंगे और ऊपर वाली बीज के साथ मिल जाएंगी, और ऊपर वाले में जो मक्खियाँ हम लोग देंगे वो ऐसी होंगी कि उनके जो है गंध होगी शरीर पर क्वीन की, तो वो एक दूसरे से मिलेंगी तो इस क्वीन की गंध भी उन लोगों को पसंद आ जाएगी और वो क्वीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि वो हमारी क्वीन को एक्सेप्ट कर सकें। और हमारे उस बॉक्स में जो छः फ्रेमें हो सकती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, चार फ्रेमें अभी जो है बाहर वाले किसी दूसरे बॉक्स से हम अभी लगा रहे हैं। ये हमने लगा लिया दो इस साइड और दो इस साइड, और जो बॉक्स हम लेके आएंगे उसकी फ्रेमें हम लोग जो है अंदर लगा देंगे। और ये हमने यहाँ पर रख लिया, तो चार हमने लगा दिया। अगर हमारे नुक बॉक्स में छोटे बॉक्स को हम लेके आ रहे हैं उसमें अगर चार ही फ्रेमें होंगी तो हम जो है दो फ्रेमें और लगा लेंगे, अगर उसके अंदर जो है छः फ्रेमें होंगी तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं, वो दे सकते हैं। हालांकि इनमें मक्खियाँ आ गई हैं, मैं थोड़ा सा धुआं लगा के इनको एक बार और झाड़ देता हूँ। थोड़ा सा रोबिंग का भी जो सिस्टम हो गया है यहाँ पर, बाहर वाली मक्खियाँ ज़्यादा घूम रही हैं और फ्रेम से बिल्कुल मैं बता दूँ आपको नेक्टर टपक रहा है जैसे ही हम झाड़ रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या छोटे बॉक्स को लेके आते हैं, अभी तक मैंने ये खोला नहीं, खोल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसमें भी जो है फ्रेमें ऊपर लगी हुई हैं, ढक्कन हम उस साइड रख देते हैं, और ऊपर वाली फ्रेम में आपको निकाल के देता हूँ। उससे पहले मैंने इसमें डिस्पोजल ग्लास रखे हैं जिससे मैंने इनको फीड कराया था, वो साइड में कर देते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे ये वो छोटे बॉक्स हैं जिसको हम मेटिंग नुक्स बोलते हैं, ये हमारे सिर्फ जो क्वीन मेट कराने के काम आते हैं। और इनके बारे में मैंने वीडियो बनाई होगी किस प्रकार हम लोग ग्राफ्टिंग से क्वीनें बनाते हैं और कैसे ये हमने मेटिंग नुक्स बनाए थे। तो ये थोड़ा सा जो ग्रोथ कर गया था या फिर ऊपर की साइड आ गया था, मुझे नहीं पता, मक्खियाँ इसमें कम ही मिलेंगी, लेकिन इसमें भी हमने सात छत्ते लगा रखे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर आप लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक जो वीडियो ख़त्म होने के इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में मैं आप लोगों को दे दूँगा, वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम आप लोग देख पा रहे हो सिर्फ नेक्टर है और मक्खियाँ हैं, तो ये हम यहाँ पे लगाते जाएंगे। और दूसरा फ्रेम हमारा ये मिल गया, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। ये ब्रूड आप लोग देख पा रहे होगे, हल्का फुल्का यहाँ पे ब्रूड है, यानी कि इसमें हमारे बॉक्स में जो क्वीन है और उसे हम लोग ढूंढेंगे। ऊपर काफ़ी नेक्टर है,
तो क्वीन हमें मिल जाएगी, नई क्वीन को हम इसके साथ इंट्रोड्यूस करा देंगे और इस प्रकार हम ये मक्खियों के साथ इसमें देते रहेंगे। अगली फ्रेम हम निकाल रहे हैं। ये छोटे से बॉक्स में बड़े काम की चीज़ें, इसमें ब्रूड ज़्यादा नहीं मिलेगा, हालांकि और में ब्रूड काफ़ी है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ पे ना क्वीन है, जो यहाँ पे ये हमारी जो क्वीन है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमारे यहाँ पे जो क्वीन है यहाँ पे जो घूम रही है, तो ये क्वीन हम लोग इसको दे रहे हैं और ये हमने इसमें रख दिया। तो इस क्वीन को हम इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि हम जो है इसमें मक्खियाँ कम थी इसलिए जो है ब्रूड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ब्रूड पैटर्न काफ़ी अच्छा है, हेल्दी ब्रूड है। तो इस क्वीन के साथ हम इसको रिक्वीन कर देंगे और ये सारी मक्खियाँ भी हम इसी के अंदर झाड़ रहे हैं। और अगली फ्रेम में आप लोगों को दिखाऊंगा ये जो है खाली की तरह ही है, हम इसको बाहर रख लेंगे ये सिर्फ मक्खियाँ झाड़ के, क्योंकि हमें सिर्फ 6 फ्रेमों की जगह बनाई थी। और ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो इस प्रकार ये दे देंगे और ये अखबार के थ्रू एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगी, तो जिससे ये नीचे वाले बॉक्स में पहुँच जाएगी और इस क्वीन को जो है वो मिल जाएगा, अच्छा वर्कर मिल जाएगा काम करने के लिए, और इस बॉक्स को अच्छी क्वीन मिल जाएगी, तो दोनों मिलकर काफ़ी अच्छा काम करेंगे। हालांकि हम मैंने आप लोगों को बताया हम लोग इसकी रिक्वीनिंग कर सकते थे, ये किसी दूसरे बॉक्स से लेके आते कोई भी जो है अंडे और लार्वे की फ्रेम इसको देते और ये अपनी क्वीनें बना लेते, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाता मैं आप लोगों को बता दूँ। तो इस प्रकार हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं ब्रूड, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और ज़्यादा टाइम लगने के जो के कारण जो हमारा बॉक्स ये वीक हो जाता, अच्छा काम नहीं कर पाता। तो इसलिए हमारे पास जो क्वीन थी, क्वीन के पास वर्कर कम था और इस बॉक्स के पास अच्छी क्वीन की कमी थी, तो इस प्रकार हमने यहीं से इसको जो है क्वीन देने का निर्णय कर लिया। और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं हल्का फुल्का ब्रूड है और हेल्दी ब्रूड है, तो हमने ये इसको दे दिया। ये फ्रेम करने के लिए हम थोड़ा सा इसको सरका लेते हैं और इस प्रकार से हमारे इस बॉक्स की जो है हम कह सकते हैं रिक्वीनिंग जो हो गई, और हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। ये मक्खियाँ भी हम लोग इसी में झाड़ने के जा रहे हैं जो इनके ऊपर हैं, इस बॉक्स में जो रह गई थी। तो ये बॉक्स आप देख पा रहे हो हमारे जो मेटिंग नुक्स है, जिसको ये देख पा रहे हो इसके नीचे जाली लगी हुई, तो बीज को वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसको साइड में रखते हैं। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है इनर कवर लगा देंगे, ये हमने जो है इसके ऊपर लगा दिया है और ये बॉक्स इसी शेप में रहेगा। और हम फिर 5-7 दिन के बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि इस प्रकार ये बॉक्स जो काम करता है। हालांकि इस बॉक्स में भी इसकी कुछ मक्खियां रह गई हैं, वो इसके सामने हम लोग झाड़ देंगे। और इस प्रकार हमने जो है इसको बंद कर दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इस बॉक्स की रिक्वीनिंग कर दी और एक वीक के बाद हम लोग आपको अपडेट देंगे जब ये इस क्वीन को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये नीचे जाके जो अंडे देने स्टार्ट कर देगी। और इससे पहले हम लोग चाहे तो इसको फीड करा सकते थे, लेकिन अभी ये मैं यहाँ से माइग्रेशन करना चाहता हूँ तो मैं फीड नहीं करा रहा, और दूसरा सुपर जो इसके ऊपर रखा था मैं वो भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो हमने रखा था सिर्फ छत्ते बचाने के लिए, तो उसकी मक्खियाँ भी झाड़ के हम अलग ले जाएंगे। हम जो माइग्रेशन करना चाहते हैं ऐसे डेड बॉक्स के साथ, और मैं आप लोगों के साथ माइग्रेशन वाली वीडियो भी शेयर करना चाहता हूँ, तो आप लोग चैनल पे बने रहें और जो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें अपने फ्रेंड के साथ, जो है बीकीपर फ्रेंड या फिर शहद वाला जो कोई भी व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है बीकीपिंग में उसके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और लास्ट में आप लोगों को क्वीन रीरिंग वाली वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ नमस्कार।